क्या आपकी ब्लॉग या आपकी वेबसाइट का मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है या फिर आपके एडसेंस में लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। तो दोस्तों आखिरकार लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता क्यों है और इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए। दोस्तों आपको बस ये वीडियो देखना है और मेरे द्वारा जो बताया जाए उसे फॉलो करना है, आपके ब्लॉग का मोनेटाइजेशन 100% हो जाएगा और बिना किसी झंझट के। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाले अपडेट आसानी से मिल सके। तो दोस्तों लो वैल्यू कंटेंट का एरर ज्यादातर बहुत ब्लॉगर्स के एडसेंस में आ रहा है और जिसके कारण उनके ब्लॉग का मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है या फिर उनकी वेबसाइट का मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है और जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों कई बार हम अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता और जिसकी वजह से बार बार हमारे एडसेंस में लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है जिसकी वजह से हमारी साइट या हमारे ब्लॉग का मोनेटाइजेशन नहीं होता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ मेरे वीडियो की कुछ जानकारी दूसरों के वीडियो से मैच खा सकती है लेकिन कुछ ऐसी भी जानकारी दूंगा जो कि सिर्फ इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी बताई जा रही है उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के मन में सिर्फ एक ही तरीका चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डाल दो और ब्लॉग का मोनेटाइजेशन कर दो, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट से ही आपकी साइट का मोनेटाइजेशन हो सकता है वो भी 24 घंटे के अंदर। जरूरी नहीं है कि आपको अपने ब्लॉग में 100-200 पोस्ट डालने के बाद ही आपके ब्लॉग का मोनेटाइजेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सिर्फ एक पोस्ट से ही आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा लेकिन आपको क्या क्या करना होता है वह सब कुछ इसी वीडियो में बताया जा रहा है। आपके एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो लो वैल्यू कॉन्टेंट का एरर हो या फिर इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी एरर आ रहा हो जिसकी वजह से आपके ब्लॉग का मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको बस मेरे द्वारा बताई जा रही जानकारी को फॉलो करना है और उसी के हिसाब से अपनी साइट पर ध्यान देना है और आपके ब्लॉग का आपकी वेबसाइट का मोनेटाइजेशन हो जाएगा। नंबर एक, आपकी ब्लॉग या आपकी साइट में रेस्पॉन्सिव थीम होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी प्रकार की ऐसा झंझट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इमेज हो तो वह जैसी डेस्कटॉप पर दिखाई देती है उसी प्रकार से मोबाइल में दिखाई देना चाहिए, यानी कि रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों अच्छी थीम आप प्रीमियम ले सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फ्री थीम है जो कि रेस्पॉन्सिव है और बहुत ही अच्छा कार्य करती है। एक्स्ट्रा थीम हुई, जनरेट प्लस थीम हुई, दोस्तों ये फ्री वर्जन में भी उपलब्ध है जिसे आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी जो मैं देने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं क्योंकि यह जानकारी किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी है, जो कि बड़े से बड़ा ब्लॉगर है उसने भी अगर वीडियो डाला है यूट्यूब पर तो उसने भी यह जानकारी नहीं दी होगी जो मैं देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे जो प्राइवेसी कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस और डिस्क्लेमर टर्म एंड कंडीशन जैसे कुछ पेजेज बनते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लॉग का मोनेटाइजेशन होता है। दोस्तों यह सभी लोग बताते हैं कि ये सभी पेज आपके ब्लॉग आपकी वेबसाइट में होना जरूरी है लेकिन इतना कोई नहीं बताता कि इसमें क्या करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेज तो बहुत ही जरूरी है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। हाँ दोस्तों ये पांच पेज आपको अपने ब्लॉग अपनी साइट में जरूर बनाने हैं लेकिन बनाने ही नहीं है, इसमें आपको क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों आपने ज्यादातर देखा होगा तो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जो कि जनरेट करके बताते हैं। हाँ दोस्तों वे लोग बताते हैं कि आप इन सभी पेजेज को गूगल में जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ अपनी साइट का नाम, ईमेल आईडी डालनी है बस और थोड़ी बहुत डिटेल देनी है और
एक पेज आपके सामने आ जाएगा, चाहे वो प्राइवेसी पॉलिसी का हो, चाहे डिस्क्लेमर का हो, चाहे टर्म एंड कंडीशन का हो। इस प्रकार से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसमें आपकी साइट का नाम लग जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि उन्हीं पेज को पूरी दुनिया डाल रही है? हाँ दोस्तों, सेम टू सेम वैसे ही पेज बना रहे हैं सभी लोग, बस साइट का नाम चेंज हो जाता है और जानकारी वही सब कुछ रहती है सबकी ब्लॉग सबकी साइट में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी पेज आप जनरेट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जनरेट नहीं करें। हाँ दोस्तों, जैसे कि ये पेजेज जनरेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं गूगल पर, मैं आपसे जनरेट करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आपको उन टूल से प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन जैसे पेजेज आपको उन टूल से जनरेट कर लेने हैं, फिर उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना है। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ दोस्तों हाँ पैराग्राफ आपको बढ़ाने हैं और कुछ ऊपर की तरफ जानकारी खुद के बारे में देना है, आपकी क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, आपने खुद कुछ सोच कर रखा होगा, उसे भी आप लिख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में। इस प्रकार से आपको थोड़ी बहुत जानकारी अपनी सभी पेजों में बढ़ानी है, चाहे वो डिस्क्लेमर हो, चाहे टर्म एंड कंडीशन हो, अबाउट अस। हाँ दोस्तों, अबाउट अस में तो आप लोगों को पता है कि खुद के बारे में जानकारी देनी होती है, हम किसी दूसरे की जानकारी अपने ब्लॉग या अपनी साइट में अबाउट अस में नहीं डाल सकते, खुद के बारे में जानकारी देनी होती है तो उसमें आप अपनी खुद के बारे में जानकारी दे देनी है। और दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी पेजेज में चेंजिंग करना है, फिर आपको उन पेजेज को अपनी साइट अपने ब्लॉग में लगाना है। यह दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी है और बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी साइट में ऐसी क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। दोस्तों यही कारण होता है कि आपकी वेबसाइट में कॉपीराइटेड पेज होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, इस प्रकार से चार पांच पेज होते हैं जो कि कॉपीराइट होते हैं, यानी कि दूसरे ब्लॉग सेम टू सेम मिलते हैं। ज्यादातर जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वे लोग ऐसा करते हैं कि जनरेट कर लेते हैं और अपने ब्लॉग अपनी साइट में लगा देते हैं और कुछ भी चेंजिंग नहीं करते, जबकि उन्हें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना चाहिए सभी पेजेज में, और इससे आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर कभी नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, यह मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है। तीसरी सबसे बड़ी जानकारी, हाँ दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी जानकारी यह है कि आपको अपने ब्लॉग या अपनी साइट में 20 से 25 पोस्ट तो नॉर्मल डालनी है, उसके बाद ही आपको मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है, उससे पहले नहीं भेजें तो अच्छा ही है। और आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वे 20 से 25 पोस्ट यूनिक होना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे की कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए और सभी पोस्ट 1000 शब्द से अधिक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पोस्ट 200 शब्द की है, कोई 500 शब्द की है, कोई 600 शब्द की है, इस प्रकार से नहीं। पूरी की पूरी 20 से 25 जो आप पोस्ट डालेंगे शुरुआत समय में, वह दोस्तों 1000 वर्ड से अधिक बड़ी होना चाहिए आपकी ब्लॉग पोस्ट। तो दोस्तों यह भी एक सबसे बड़ा कारण होता है जिस पर ध्यान नहीं देते बहुत लोग और जिसकी वजह से लो वैल्यू कंटेंट के अलावा बहुत कई प्रकार के एरर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग आपकी साइट का मोनेटाइजेशन तक नहीं होता। दोस्तों ये मेरा यही कहना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिक पोस्ट लिखनी है और 1000 शब्द से अधिक बड़ी पोस्ट होना चाहिए, और इमेज नॉन कॉपीराइटेड इमेज यूज करनी है, जैसे कि पिक्साबे, पिक्सेल्स जैसी साइटों से लेनी है आपको इमेज। अगर आप किसी दूसरी जगह से कोई इमेज ले रहे हैं तो आप वहां का क्रेडिट दे सकते हैं, उस व्यक्ति को क्रेडिट दे सकते हैं, इस प्रकार से आप किसी इमेज को यूज करें। दोस्तों अगली सबसे बड़ी जानकारी जो मैं देने वाला हूं उस पर बहुत लोग ध्यान देते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ कर बैठते हैं, जैसे कि वे अच्छी थीम खरीद लेते हैं, अच्छी होस्टिंग ले लेते हैं, एक अच्छा डोमेन नेम भी ले लेते हैं, पेज वगैरह सब सेटअप करके बैठ जाते हैं लेकिन डिजाइनिंग नहीं कर पाते। हाँ दोस्तों, आपको अपनी ब्लॉग अपनी वेबसाइट का डिजाइन अच्छे तरीके से करना है जिससे आपके ब्लॉग का
आपकी वेबसाइट का मोनेटाइजेशन जल्द से जल्द हो सके, आपको अपने ब्लॉग अपनी वेबसाइट का अगर जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन कराना है तो आपको डिजाइनिंग पर ध्यान देना होगा। यानी कि आपका डिजाइन दूसरे लोगों की वेबसाइट से कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। जैसे कि ऊपर मेनू बार जो होता है दोस्तों, हेडर में और नीचे फुटर में जो पेजेज होते हैं वो सभी अच्छे तरीके से सेटअप होना चाहिए। और जो भी हम अपनी पोस्ट डालते हैं, कैटेगरी वगैरह या पोस्ट सिंगल पोस्ट, सभी चीजों का डिजाइनिंग अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे गूगल भी अगर एक बार देखे तो वह भी पहले दिन यानी 24 घंटे के अंदर ही आपके ब्लॉग का मोनेटाइजेशन कर दे। बहुत लोगों का यह भी कारण होता है मोनेटाइजेशन ना होने का कि वे लोग अपनी साइट अपने ब्लॉग का डिजाइनिंग सही तरीके से नहीं करते। इसलिए मेरा कहना है कि आपको अपनी ब्लॉग अपनी साइट का डिजाइनिंग अच्छे तरीके से करना है, जिससे लोगों को एक बार में ही आपकी साइट पसंद आ जाए। तो दोस्तों यह थे कुछ स्टेप जो कि मैंने आपको बताए, और इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है, आपके ब्लॉग आपकी साइट का मोनेटाइजेशन 24 घंटे के अंदर या जल्द से जल्द हो जाएगा। दोस्तों यह मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, और ऐसा सब कुछ करने के बाद मैं कहता हूं आपकी ब्लॉग को लेकर, आपकी साइट को लेकर आपके एडसेंस में लो वैल्यू कंटेंट का एरर कभी नहीं आएगा, और आपको एक ऐसी जानकारी मिली है जो कि हर वीडियो में नहीं मिलती। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। अगर आपको फिर भी एडसेंस या अपने ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल को लेकर कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, हम बिल्कुल आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे और आपका रिप्लाई भी जरूर देंगे। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।